तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक नए एप्लीकेशन फॉर्म के जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है एंड इसकी लास्ट डेट 5/8/2023 रहेगी। इस एप्लीकेशन में नेट JRF ओनली PG सभी लोग कर सकते हैं तथा नेट JRF वाले एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स के करीब अवेलेबल हैं। तो देखते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आपको PhD एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट का पेपर है एंड साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप फटाफट जाके ये देख सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आएगी इसमें तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है 2023 DU RET के लिए, RET के लिए। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं और फिर आपको बताएंगे किस तरह आप यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो कि 17 जुलाई को आया है, आज से 3 दिन पहले, एंड इसका एप्लीकेशन आज 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 26 अगस्त 2023 को होगा, लास्ट डेट 5 अगस्त तक है। तो सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है। अप्लाइड जियोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बोडो है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। तो कुल 18 डिसिप्लिनस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें PhD के लिए DU RET 2023 कंडक्ट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स आपका कंसर्न सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हैं तो 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। बट ये रिजर्वेशन जो होता है वो स्टेट के कैंडिडेट को मिलता है। अदर जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल या अनरिजर्व में काउंट होते हैं। तो एप्लीकेशन कैसे करना है? तो एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको dibru.ac.in पर जाकर अपना नाम इंटर करके मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड लेना है, OTP, फिर आपका नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, 750 रुपये का यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट रहेगा आपका। उसके बाद आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका पेमेंट और रिसिप्ट, एप्लीकेशन फ़ी और प्रिंटआउट ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो प्रिंटआउट्स रहेगा वो यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत होगी तो ये देखा जा सकता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो फेज़ 1 रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि सिंगल पेपर 100 मार्क्स का होगा, ये 70% वेटेज में रहेगा। फेज़ 2 आपका वाइवा या इंटरव्यू होगा जो कि 30% वेटेज पर रहेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो फेज़ 1 है उसका 50% रहेगा, 50% लाएंगे तो आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर SC ST PWD OBC EWS को 5% की छूट इसमें भी मिलेगी। जो DU RET है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से 20/7 का यह डेट दिया जा रहा है एंड 5/8/2023 को लास्ट डेट है। रिटन टेस्ट का 26 अगस्त 10:30 AM से 1:30 PM तक होगा, ठीक है। और ये कहाँ कंडक्ट होगा, तो इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहीं पर होगा। यहाँ पर कौन एग्जेम्प्ट होगा वो बता दे रहे हैं। तो CSIR, UGC, NET, JRF एंड और हैविंग रिसर्च फेलोशिप। अगर आपके पास आप नेट वाले कैंडिडेट हैं या फेलोशिप वाले हैं या कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर रहे हैं या आपका MPhil कंप्लीट है रेगुलर मोड में तो आप एग्जेम्प्ट होंगे DU RET से, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। ये जो DU RET होता है वो हर साल में एक बार जुलाई मंथ में कंडक्ट होता है, बट इस बार अगस्त मंथ में जा रहा है तो ये जुलाई का ही एप्लीकेशन है। तो DU RET का पैटर्न देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर 25% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, मतलब पार्ट ए में, एंड पार्ट बी आपका 75% कोर्स कंपोनेंट्स, मतलब कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स के आपके ये पेपर होंगे। और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ दोनों मोड में है, वो आप इसको ध्यान से देख के समझ सकते हो। तो ये इसकी पूरी डिटेल्स थी। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना है, उसके बाद एडमिशन 2023 का ये पोर्टल है, यहाँ पर आएंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंड ईमेल आईडी हेल्पलाइन नंबर है तो इसको भी आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप दिखेंगे DU RET 2023 का, यही आप डाउनलोड कीजिएगा। इसमें सारी डिटेल्स जो भी हमने आपको दिखाई वो दी गई है। अब ऊपर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन है, फ़ी स्ट्रक्चर है तो फी स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।